कांग्रेस नेता सिद्धारमैया को सरकार चलाने के अपने लंबे अनुभव और पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर हासिल व्यापक जन समर्थन के कारण कर्नाटक के सीएम पद के कड़े मुकाबले में सफलता मिली। 9 बार विधायक रह चुके सिद्धारमैया वर्ष 2006 में जेडी का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने के तुरंत बाद सिद्धारमैया ने चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए 75 वर्षीय सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगाई, क्योंकि कर्नाटक में ओबीसी एससी और मुस्लिमों के बीच उनकी लोकप्रियता अगले आम चुनाव में हार जीत का फासला तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया को सरकार चलाने के अपने लंबे अनुभव और पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर हासिल व्यापक जन समर्थन के कारण कर्नाटक के सीएम पद के कड़े मुकाबले में सफलता मिली। 9 बार विधायक रह चुके सिद्धारमैया वर्ष 2006 में जेडी का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने के तुरंत बाद सिद्धारमैया ने चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए 75 वर्षीय सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगाई, क्योंकि कर्नाटक में ओबीसी एससी और मुस्लिमों के बीच उनकी लोकप्रियता अगले आम चुनाव में हार जीत का फासला तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।